गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फार्मा इजी स्टडी। टुडे विल गो टू डिस्कस अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। टॉपिक हमारा क्या है? साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का मतलब होता क्या है कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। द प्रोसेसिंग ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सब्सटेंस टू स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन आल्सो नोन एज कम्युनिशन, डिमिनिशन एंड पोलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। साइज रिडक्शन मशीन फॉर लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स अबव देन 40 mm, मतलब जो साइज हमारा 40 mm से ज़्यादा होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्रशर यूज करेंगे। और जो हमारा जो सब्सटेंस है वो 40 mm से कम होगा तो उसके लिए हम मिल का प्रयोग करेंगे। तो वही लिखा है, व्हेन द पार्टिकल साइज बिलो देन प्रोसीड बाई मिल्स। इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पज लाइक एज मोनोसाइज पार्टिकल्स आर बेस्ट फॉर यूज एंड फॉर सॉलिड मटेरियल ग्राइंडिंग एंड कटिंग फॉर साइज रिडक्शन। एडवांटेजेस फॉर इफेक्टिव मिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड डिजायरेबल विच इज इम्पॉर्टेंट इन केज ऑफ पोटेंट एंड लो डोज ड्रग फार्मुलेशन लाइक एज रोटा कैप्स इनहेलर जो आता है, आप देखते होंगे कि उसमें सबसे लो डोज होता है बट उसके फाइन पार्टिकल्स इतने अच्छे होते हैं कि वो तुरंत जाके तुरंत असर करता है। उसी तरह सस्पेंसर में देख लीजिए, हमारा जितना पार्टिकल्स हमारा छोटा होगा उतना ही हमारा सेडिमेंटेशन रेट कम होगा। तो ये हमारा एडवांटेज है। साइज रिडक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल एंड इट्स फर्दर इम्प्रूव रेट ऑफ डिजोल्यूशन। मतलब जब हमारा पार्टिकल छोटे में हो जाता है तो उसकी डिजोल्यूशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस में किसी भी लिक्विड में घुलने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ टेबलेट, मतलब टेबलेट को बनाते समय पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल सो दैट पाउडर कैन बी इजिली फ्लो इनटू डाइज। डिसएडवांटेज थर्मोलाबाइल सब्सटेंस, मतलब जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं गेट डीकम्पोज ड्यूरिंग साइज रिडक्शन। दिस इज ड्यू टू हीट प्रोड्यूसिंग मिलिंग। देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्टेमिनेशन ड्यूरिंग मिलिंग और ग्राइंडिंग। मतलब मिलिंग और ग्राइंडिंग के दौरान हमारे मिल में हमारे जो भी धातु लगे हुए हैं, मेटल्स लगे हुए हैं, उनसे कॉन्टेमिनेशन भी हो सकता है जिसके कारण से उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया, मतलब वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जो पाउडर होता है हमारा साइज रिडक्शन के द्वारा। रिड्यूस साइज लीड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, फॉर एग्जाम्पल द डिजोल्यूशन रेट ऑफ द सॉलिड ड्रग पार्टिकल इंक्रीजेस मेनी टाइम्स आफ्टर साइज रिडक्शन। माइक्रोमनराइज फॉर्म ऑफ ग्रीसोफ्लोविन एंटी फंगल ड्रग सो अबाउट 5 times बेटर एब्जॉर्प्शन इजी ऑफ मिक्सिंग रिड्यूस साइज ऑफ पार्टिकल्स इट टू मिक्सिंग विथ अदर सब्सटेंसेज, मतलब इजिली हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, द फाइन पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन डिक्रीज द सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? जैसे आपने कोई एक सस्पेंशन बनाया, उसमें लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर बनाया, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो कितनी तेजी से हमारा नीचे को बैठ जाता है उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट। डोसेज फॉर्म फार्मास्यूटिकल कैप्सूल्स इन सफलेशन सपोजिटिज एंड ऑइंटमेंट रिक्वायर्ड फॉर लेस देन 60 mm पार्टिकल साइज। तो 60 mm है तो इस यहाँ पे क्या यूज होगा? हमारा क्रशर यूज होगा। रिड्यूज इरिटेशन ऑप्थेल्मिक प्रिपेशन, मतलब जो आई ड्रॉप्स होते हैं एंड स्टैंडर्ड यूज प्रिपेशन लाइक एज क्रीम अप्लाई टू द स्किन शुड बी फ्री फ्रॉम कोर्स एंड ग्रीटली पार्टिकल टू अवॉइड इरिटेशन, जो कि इरिटेशन को अवॉइड कर देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन कैन बी इंक्रीज बाई डिक्रीजिंग साइज ऑफ ऑयल ग्लूबस। अरे भाई, सीधी सी बात है कि जितना हमारा पार्टिकल्स का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना जल्दी हमारा घुल जाएगा, उसका डिजोल्यूशन रेट बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो इमल्सन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन विल बी हायर इफ द पार्टिकल साइज विल बी स्मॉल। अपियरेंस देखने में अच्छा लगेगा। बाय रिड्यूसिंग पार्टिकल्स फिजिकल अपियरेंस ऑफ ऑइंटमेंट क्रीम पेस्ट कैन बी इनहेंस्ड। अरे भाई, अभी आप एक ऑइंटमेंट लेकर आए, उसमें पाउडर जो होता है वो आपको बड़े बड़े दाने में मिले तो देखने में अच्छा लगेगा ना? देखने में अच्छा लगेगा ना, उसको लगाने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए अपियरेंस में वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन, मतलब साइज है कुछ हमारे लॉज हैं। ए नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन प्रोपोस्टेड टू स्टेबलाइज ए रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी इनपुट एंड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन प्रोड्यूज। इसकी तीन थ्योरी है, किक्स लॉ, रिटिग्नर्स लॉ एंड बॉन्ड्स लॉ। किक्स लॉ, दिस लॉ डिस्क्राइब दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस साइज ऑफ पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ इनिशियल साइज ऑफ ए टिपिकल डायमेंशन टू द फाइनल ऑफ दैट डायमेंशन। कहने का मतलब क्या है कि कोई हमारा पार्टिकल्स है, उसको उसकी इनिशियल साइज मान लीजिए 60 mm है और उसको हमको 20 mm में करना है, तो उसकी फाइनल साइज होगी बाय द क्रशर यूज करेंगे यहाँ पे, तो 60 mm से 20 mm साइज करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ई इक्वल टू के आई एन डी वन बाई डी टू, ई इक्वल टू एनर्जी के इक्वल टू किक्स कॉन्स्टेंट एंड डी वन इक्वल टू इनिशियल साइज ऑफ मटेरियल एंड डी टू इक्वल टू साइज ऑफ ग्राउंड पार्टिकल। एप्लीकेशन, किक्स लॉ गिव्स
responsibly good result for coarse grinding where there is relatively small increase in surface area per unit mass. उसके बाद Rittigner's law हमारा क्या कहता है, this law state that energy required for size reduction of unit mass is proportional to the new surface area produced, E equal to ER 1 by D1 minus 1 by D1, where E equal to energy, KR equal to Rittigner's constant, D1 equal to initial size and D2 equal to ground particle size and 1 by D जो हमारा है वो सरफेस एरिया जिसको हम S से भी डिनोट करते हैं. सो इक्वेशन विल बी बिकम E equal to KR SN minus SI, where SI equal to initial size of surface area and SN equal to new surface area. इसके एप्लीकेशन, Rittigner's law gives better result with fine grinding where it much greater surface area produced. उसके बाद आता है हमारा Bond's law, this law state that energy used for reduction is proportional to the new crack length, E by W is equal to under root 100 by D2 minus under root 100 by D1, where E is equal to energy, W is equal to Bond's work index work required to reduce a unit weight and D1 is equal to diameter of ship's aperture that allow 80% of mass of feed to pass and D2 is equal to ground material pass from ship. मतलब यहाँ पे D1 और D2 को हम कह सकते हैं कि D1 हमारी initial size है और D2 हमारी final size है. Mechanism of size reduction. This size reduction mechanism differs according to the nature of the material. मतलब material के nature के अनुसार size reduction के जो mechanism होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. And each drug may require separate treatment. और प्रत्येक drug जो होती है वो हमारी separate treatment, मतलब अलग अलग treatment के द्वारा उसका size reduction किया जाता है. Fresh surfaces can be created or exciting cracks and fissures can be opened the former requiring much more energy. The size reduction is energy inefficient process since only a small percentage of the energy supplied is due to subdivided the particle. मतलब जो size reduction किया जाता है उसको हमको बहुत ही कम मात्रा में energy की जरूरत होती है. Much of energy is spent in overcoming the friction. मतलब friction जो हमारा overcoming हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ी हमारी energy ज़्यादा लगने लगती है. And interior of the machine parts and release the heat. जिस कारण से हमारी machine हीट उत्पन्न करने लगती है और हमारा जो सब्सटेंस वो डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसएडवांटेजेस. द पार्टिकल टू बी रिड्यूज मे बी सब्जेक्टेड टू वन और द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर फोर्सेस. ठीक है, मतलब ये हमारा मेन है मैकेनिज्म में, इम्पैक्ट, कॉम्प्रेशन, शियर, एट्रिशन. मैं आप सिंपल डिफिनेशन बता रहा हूँ, आगे इसकी मतलब लॉन्ग डिफिनेशन बताऊंगे होता क्या है. इम्पैक्ट पार्टिकल कंस्ट्रक्शन बाई ए सिंगल रिजिड फोर्सेस, मतलब इसमें क्या होता है कि एक हमारा कोई भी मटेरियल होगा, ठीक है, मटेरियल हमारा किसी एक रोलर पे रखा होगा और दूसरे रोलर से हम उसको पीसेंगे. जैसे आप अपने घर में देख लीजिए, आप मसाला पीसा जाता है सिल पे, तो वो एक सिल पे जो ऊपर पत्थर होता है वो गतिमान स्थिति में होता है और जो नीचे वाला पत्थर होता है वो गतिमान स्थिति में, मतलब स्थिति में होता है, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट. फिर कंप्रेशन क्या होता है, पार्टिकल डिस्टिग्रेशन बाय टू रिजिड फोर्स लाइक ए नेट क्रेकर, मतलब एक दोनों अपोजिट दिशा में हमारे काम करेंगे जो भी हमारे रोलर्स होंगे. शियर मतलब प्रोड्यूस हुए पार्टिकल इज कंप्रेस्ड बिटवीन द एज ऑफ टू हार्ड सरफेस मूविंग टेंजेंटाइनली. मतलब आपने ईमान दस्ता देखा होगा जिसमें हम मसाला कूटते हैं, उस टाइप का कुछ ये होता है कि ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं और उसको कूटते हैं जिस कारण से हमारा जो साइज होता है वो रिड्यूज हो जाता है. एट्रिशन अराइजिंग फ्रॉम पार्टिकल्स स्कैटरिंग अगेंस्ट वन अनदर और अगेंस्ट अ रिजिड सरफेस, मतलब जो इसमें रोलर होंगे वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से फोर्स पैदा करेंगे जिसके कारण से हमारा मटेरियल जो हो जाएगा वो क्रश हो जाएगा. ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, हार्डनेस, इट इज द सरफेस प्रॉपर्ली टू मटेरियल्स ऑफ हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज मो स्केल्स. मटेरियल्स ऑफ हार्डनेस 1 टू 3 आर क्लासिफाइड एज डार्क वैक्सेस, 7 टू 4 टू 7 एज इंटरमीडिएट लाइक एज लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट एंड 8 टू 10 इज हैड नोन एज हार्ड लाइक एज क्वार्टज पत्थर एंड डायमंड. उसके बाद आता है टफनेस, द टफनेस ऑफ द मटेरियल इज समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द हार्डनेस, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है ड्यू टू, मतलब हमारा जो हार्डनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो टफनेस होता है वो बहुत ही, आप टफनेस का मतलब समझ लीजिए कि टफ, मतलब उसमें हार्डनेस आ जाती है. सॉफ्ट बट टफ मटेरियल में रिप्रेजेंट मोर प्रॉब्लम्स इन रिड्यूसिंग, डिफिकल्ट टू ब्रेक द रबर देन ब्लैकबोर्ड चाक स्टिक, मतलब जो रबड़ होता है उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं जितने जल्दी हम ब्लैकबोर्ड के चाक को तोड़ सकते हैं. इसका जो हमारा थर्ड है एब्रेसिवनेस, एब्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है, खुरदरापन, मतलब रफ. एब्रेसिव इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड मटेरियल, ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ एब्रेसिव सब्सटेंसेस द फाइन पार्टिकल्स मे बी कॉन्टेमिनेटेड विद मोर देन 0.1% ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स.
फोर्थ हमारा क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जो मटेरियल्स हमारे मॉइस्चर कंटेंट कर लेते हैं उनको क्रश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दी मॉइस्चर कंटेंट इन्फ्लुएंस ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टी डेट में अफेक्ट सेल रिडक्शन, एग्जाम्पल के तौर पर हार्डनेस, टफीनेस और विस्कोसिटी। स्टिकीनेस, स्टिकीनेस इज द प्रॉपर्टी व्हिच कंसिडरेबल डिफिकल्टी इन रिड्यूसिंग द साइड रिडक्शन बिकॉज द मटेरियल गेट अधेयर टू द ग्राइंडिंग सरफेस, मतलब अगर वो स्टिक है मतलब चिपचिपा है तो जाकर हमारा सरफेस एरिया पे चिपक जाएगा जिस कारण से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे नहीं हो पाएंगे। स्लिपरनेस, इट इज अ प्रोड्यू टू स्टिकीनेस, इट कैन बी आल्सो लीड टू साइड रिडक्शन डिफिकल्टीज बिकॉज द मटेरियल एक्ट इज अ लुब्रिकेंट, मतलब चिकना हो जाता है। सातवां फैक्टर हमारा क्या है, सॉफ्टिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग साइड रिडक्शन प्रोसेस समटाइम्स हीट इज जनरेटेड विच कैन कॉज सम सब्सटेंस टू सॉफ्टन, मतलब जब मिलिंग होती है या क्रशिंग होती है तो उसमें से हमारे कुछ हीट उत्पन्न होते हैं जिस कारण से जो मटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। साइड रिडक्शन इक्विपमेंट, कटिंग, कंप्रेसर, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, हमारे चार मैकेनिज्म थे। कटिंग का मतलब क्या होता है, कट कर देना, हियर द मटेरियल कट बाय मींस ऑफ शार्प ब्लेड, मतलब ब्लेड के माध्यम से लाइक एच कटर मिल। कंप्रेशन, इन दिस मेथड द मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन द रोलर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स, अब मैंने आपको वहाँ पे क्रशर कंप्रेशन बताया था ना कि नीचे ऊपर से दोनों हमारा फोर्स लगता है लाइक एच रोलर मिल। इम्पैक्ट, अब यहाँ पर इम्पैक्ट सबसे मेन इम्पैक्ट हमारा होता है, द इम्पैक्ट अकर व्हेन द मटेरियल इज मोर और लेस स्टेशनरी एंड इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ हाई स्पीड आफ्टर सम टाइम मटेरियल इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीस, मतलब जो मैंने बताया था कि एक हमारा जो रोलर होगा वो गतिमान स्थिति में होगा और जो दूसरा हमारा होगा वो हमारी स्थिति समय होगा और दोनों को हम जब आपस में रगड़ेंगे, ऊपर वाले को रगड़ेंगे जो हमारी गतिमान स्थिति में है, तो हमारे पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे छोटे हो जाएंगे। एट्रिशन, इन एट्रिशन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर एज एन इनकंप्रेशन बट द सर्फेस एरिया मूविंग रिलेटिवली टू ईच अदर, मतलब दोनों तरफ से हमारा फोर्स लगेगा, रिजल्टिंग इन शियर फोर्सेस व्हिच ब्रेक द पार्टिकल्स लाइक एट फ्लूइड एनर्जी मिल। ऑन स्मॉल स्केल मोर्टार एंड पिस्टल आर सिंपल इक्विपमेंट फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है, जो मोर्टार और पिस्टल होते हैं वो हमारे सबसे छोटे स्केल पे इक्विपमेंट होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब इसे इम्पैक्ट, एट्रिशन, क्रशिंग, शेयरिंग के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सी मशीन कौन से पे काम करती है। तो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे जो वर्क करेगी वो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होगी और इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे ही हमारी बाल म्यूज हमारी वर्क करेगी। क्रशिंग एंड शेयरिंग पे हमारी एज रनर मिल काम करेगी एंड क्रशिंग एंड शेयरिंग पे भी एंड रनर मिल करेगी और जो हमारी हैमर मिल होगी वो केवल इम्पैक्ट पे काम करेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हैमर मिल, बाल मिल, एंड रनर मिल, ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल, बाल मिल, एंड रनर मिल, ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे और इन सब का कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समझ में कोई टॉपिक ना आया हो तो कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 कंप्लीट कर दी है और इसके हम यूनिट फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करके नोट्स अपलोड कर चुके हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक 2 यूनिट एंड माइक्रोबायोलॉजी 2 यूनिट हमारी नोट्स अपलोड हो चुकी है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग अस।